हम देखते हैं कि जब इस टॉपिक पर ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं तो क्या टॉपिक पर बात होती है, ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज, पॉलिगमी, मेंटेनेंस और क्या मौजूद है। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारों के ताल्लुक से कुछ ना कुछ लॉज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे चाइल्ड मैरिजेस के मुतालिक चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 मौजूद है, जो सारी कम्युनिटीज पर यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है, तो ये तो मौजूद है। उसी तरह हम देखते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अपॉन डिवोर्स एक्ट 1986 भी मौजूद है। खास तौर से डैनियल लतीफी जजमेंट जो 2001 में सुप्रीम कोर्ट से मिला था, इसके इंटरप्रिटेशन के साथ में वुमेन के कई राइट्स इजीली सिक्योर किए जा सकते हैं। मतलब हमारी कंट्री में दो सिस्टम चलते हैं। एक सिस्टम है पर्सनल लॉ का सिस्टम, जो शख्स पर्सनल लॉ के थ्रू करना चाहता है उसके लिए वो ऑप्शन ओपन है। जो चाहता है कि उसे लीगली जाकर अपने राइट्स को सिक्योर करना है, तो जैसे हमने मैरिज के अंदर देखा, एक है पर्सनल लॉ के थ्रू मैरिज, एक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के थ्रू मैरिज। उसी तरह हम देखते हैं कि दहेज के ताल्लुक से द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके अंदर आईपीसी के भी सेक्शंस 498A क्रूएल्टी टू वाइव्स या 304B डाउरी मर्डर्स भी अप्लाई होते हैं। और जहां तक ट्रिपल तलाक का सवाल है, 2002 का एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का अवेलेबल है, शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसके अंदर ये जजमेंट पास किया गया था कि ट्रिपल तलाक एप्लीकेबल नहीं होगा। उसी तरह 2002 में दगड़ू पठान वर्सेस रहीम भी पठान का भी केस है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच ने पास किया था। और साथ साथ में 2004 का एक और केस है, नजमू बी वर्सेस सिकंदर रहमान का भी केस मौजूद है। तो जो लेडीज चाहते हैं कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के सिस्टम से जाए, वो जाकर वहां से हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग जो सिविल लॉ के तहत रहना चाहते हैं, वो रह सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों सिस्टम्स आज ऑलरेडी मौजूद है। जो बात इस तरह से मीडिया में हो रही है जैसे कि कुछ कानून मौजूद ही नहीं और कानून अभी लाया जा रहा है, तो कानून ऑलरेडी मौजूद है और कानून में कई सारे लॉज, कई सारे ऐसे जजमेंट ऑलरेडी मौजूद है, जिससे जो लोग वो सिस्टम से जाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।